हेलो फ्रेंड्स, आज हम शनि देव की बात करेंगे। शनि देव कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं, कैसे देते हैं और दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग शनि देव की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा साढ़े साथी इत्यादि से काफ़ी डरे हुए होते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या होगा। तो मैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और उनके उपाय बताऊँगा। अगर ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तभी शनि देव आपके खराब हैं। मगर आप ये हमेशा याद रखिए कि शनि देव को न्यायाधीश कहा जाता है। हम जो कर्म करेंगे शनि देव हमको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। अब शनि देव की सिग्निफिकेशंस क्या होती हैं, जैसे कि शनि देव कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, यानी कि हमारा मकान, फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन लेबर्स। तो हम देखेंगे अगर शनि देव का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति को अपना मकान बनाने में दिक्कत होगी, मकान खरीद ही नहीं पाएंगे। हो सकता है पूरी ज़िंदगी किराए के मकान पर रहना पड़े, मकान खरीदने की कोशिश की उसमें सफल नहीं हुए, मकान के लिए ज़मीन खरीद ली, बनाने लगे तो बार बार सरकारी नोटिस आने लगे, अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगे। मकान हमने ख़रीदा भी तो वो छोटे साइज़ का या पुराना या टूटा फूटा, स्पेशली सीढ़ियाँ उसकी टूटी फूटी हो सकती हैं, ये इफ़ेक्ट आने लगे, या हमारे एग्जिस्टिंग मकान में क्रैक्स आने लगे। तो इस तरह के अगर इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो शनिदेव कुंडली में थोड़ा सा नेगेटिव होना शुरू हो गए हैं। इसमें एक और चीज़ होती है कि जब व्यक्ति मकान बनाने लगता है, क्योंकि शनिदेव पॉइजनस एनिमल्स जो विष वाले जानवर होते हैं, सांप इत्यादि, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमने मकान की नींव के लिए ज़मीन खोदनी शुरू की तो वहाँ से सांप निकले या व्यक्ति के सपने में सांप आने लगे, इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब शनि देव का नेगेटिव प्रभाव आना शुरू हो गया है। अब मकान इत्यादि के बारे में अगर ये नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, या फैक्ट्री में मशीनें बार बार ख़राब हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई, या किसी भी मशीन जैसे आपकी मोटर गाड़ियाँ, कोई कार या स्कूटर वगैरह आप चला रहे थे वो काफ़ी ख़राब होने लगे, घर के अंदर मशीनें ख़राब होने लग गई, गाड़ी चलाते हुए किसी पत्थर के ऊपर चढ़ गई और आपको वो पत्थर दिखा नहीं और गाड़ी उससे ख़राब हो गई। तो इस टाइप की चीज़ें अगर कंस्ट्रक्शन मकान, फैक्ट्री और मशीनों इत्यादि के बारे में आ रही हैं तो उस केस में आप कंस्ट्रक्शन लेबर्स को, इनको मदद करिए। इनको शनिदेव की वस्तुएं जैसे चार पांच बादाम इत्यादि देते रहिए, उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। और शनिदेव चूंकि न्यायाधीश हैं, हमारे कर्म के ऊपर ही हमें रिजल्ट देते हैं, तो शनिदेव की वस्तुएं नॉन वेजिटेरियन फूड यानी कि मांसाहार और अल्कोहल यानी कि शराब, मांस और शराब का सेवन अवॉइड करें। मांस और शराब का सेवन स्पेशली शनिदेव की दशा में, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में बिल्कुल ना करें। और जहाँ तक पॉसिबल है पूरी ज़िंदगी हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शनिदेव खराब हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव जो होते हैं वो डिलेज के कारक होते हैं। हर चीज़ में देरी देना, ऑब्स्टेकल्स देना, और ये देरी किन चीज़ों में आएगी, मकान बनाने में, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने में, तो ये देरी और ऑब्स्टेकल्स जो शनिदेव देते हैं, इन सब से बचने के लिए हमको शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उससे हमको लाभ होगा। शनिदेव की बाकी सिग्निफिकेशंस अगर हम देखते हैं तो उसमें शनिदेव हमारे चाचा को दर्शाते हैं, यानी कि पिता के छोटे भाई को। तो शनिदेव के अच्छे प्रभाव के लिए हमको अपने चाचा से अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए, चाहे उनका बिहेवियर हमारी तरफ कैसा भी हो। और शनि देव गरीब लोगों को दिखाते हैं, जिन लोगों की एक टांग खराब हो उनको दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, क्लास फोर एम्प्लॉयज, इन सब लोगों को आप हमेशा मदद करिए। अब मदद करने का मतलब पैसा देना नहीं होता है। हम ज़्यादातर देखेंगे कि जब हम बोलते हैं कि किसी की मदद करें तो लोग सोचते हैं कि पैसा देने से मदद हो जाएगी, वैसा नहीं है। जैसे बूढ़े आदमी हम लोग देखते हैं कि यंग लोग, जवान लोग उनसे जाकर बात नहीं करना चाहते, उनको अवॉइड करते हैं, बूढ़े लोग अकेले बैठे होते हैं। यदि आप इनके पास बैठकर 5 मिनट
इनसे बातें कर ले, इनको मोटिवेट कर दें। सिमिलरली आपके ऑफिस में आपके कोई क्लास फोर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप 2 मिनट उनसे अच्छे से बात कर ले, उनको मोटिवेट करें, उनको बोलें कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इतना ही करने से शनिदेव खुश होने लग जाते हैं और आपको अच्छे प्रभाव देने लग जाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा भी शनिदेव के अच्छे रिजल्ट्स लाने में मदद करती है, शनिदेव इससे भी प्रसन्न होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपकी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में शनिदेव एक्टिव हैं कि नहीं, उसको जानने के लिए आप अपना बर्थ डिटेल किसी भी फ्री ऐप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में डाल दीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।